क्या क्यों है हमने ये फरे पाने हरा दे मेरे बैग में चार्जर और इंजेक्टर है। ये जो है ये चाय पत्ती है ये वाली भाई साहब चूल्हे में रखी हुई थी। तू कौन से यार इसने चाय चूल्हे में रखी हुआ देखो इसका हाल ये भूल गई इसके बाद क्या हुआ। डालो डालो सेकंड स्टैंड में डालो हेलो हेलो देखो अनुप से मानो कुछ बोलो खाया पिया करो सेकंड स्टैंड होने जा रही बाइक वही 160 मैं जाती है पर थोड़ा लेट लगती है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गेल्ला एंड यू वॉचिंग नितेश गेल्ला ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं थोड़ा बाइक के बारे में। मेरी बाइक को लिए हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। दो सर्विस हमने उससे करवा दी है। फर्स्ट सर्विस जो होती है वो होती है 500 किलोमीटर पे। जो सेकंड सर्विस होती है वो होती है 3000 किलोमीटर पे। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि दो सर्विस मेरी बाइक की हो चुकी है और जो अभी तक मेरी बाइक चली है वो चली है मात्र 1600 किलोमीटर। जी आपने सही सुना 6 महीने हमारी बाइक चली है 1600 किलोमीटर। और जो है कि दूसरी सर्विस जो होती है 3000 किलोमीटर पर होती है लेकिन हमारी जो है कि सेकंड सर्विस हो चुकी है। वो कैसे भी मैं आपको बताता हूँ। पहली सर्विस 500 किलोमीटर पर होती है और सेकंड सर्विस होती है या 3000 किलोमीटर पर। अगर 3000 ना चली हो तो 3 महीने में हमारे जो फर्स्ट सर्विस के 3 महीने होंगे उसके बीच में आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो मेरी बाइक को जो है कि 500 किलोमीटर हुए उसके बाद मैं फर्स्ट सर्विस कराने गया। उसके बाद 3000 किलोमीटर तो पूरे नहीं हो पाए लेकिन जो है कि 3 महीने पूरे हो गए। तो 3 महीने की वो सर्विस भी पूरी हो चुकी है। अभी चली है बाइक 1600 किलोमीटर। हमको बाइक लिए हुए 6 महीने हो गए और हमारी बाइक जो अभी 1600 किलोमीटर चल रही है। वो भी जो है कि क्यों चली इतनी मैं आपको बताता हूँ। 6 महीने में पहली तो हम पहली सर्विस कराने गए उसमें 200 किलोमीटर वो लग गए। दूसरी सर्विस में भी हम 200 किलोमीटर हो लगे। दो सर्विस तो हो गई 400 किलोमीटर। और तीसरी बार हम गए थे नंबर प्लेट लगवाने के लिए बाइक पे। जब बाइक की नंबर प्लेट आई थी और वहीं से हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो 3 तो वही हो गए। 600 किलोमीटर तो वहीं कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत राउंड मारे हमने यहाँ से सोनप्रयाग तक हमने 3-4 बार हम सोनप्रयाग भी गए। और बाकी हम सीखने में लग गए इधर उधर 500 किलोमीटर। और एक दिन हम जिस दिन फर्स्ट हम बाइक लेके आए थे 100 किलोमीटर तो उसी दिन पूरे हो गए थे। तो मैक्सिमम जो है कि हमने जो बाइक चलाई है वो कुछ 300-400 किलोमीटर चलाई है। बाकी तो ऐसे हम काम के लिए गए थे जैसे फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के लिए वही किलोमीटर 200-300 किलोमीटर तो वही चल गई थी। तो ये काफ़ी शर्म की बात है हमारे लिए। 6 महीने बाइक को लिए हुए होगी और अभी 1600 किलोमीटर बस बाइक चल रही है। आप ज़रूर कमेंट करें कि आप जब आपने नई बाइक ली होगी आपने बाइक चलाई होगी तो आपने 1600 किलोमीटर कितने दिन में पूरे कर लिए थे या आपने 6 महीने में कितनी बाइक चला ली थी। थोड़ा हमको भी जानकारी मिली है कि हम ही बाइक चला रहे हैं या आप ही चला रहे हैं बाइक। तो हमारे लिए अब थोड़ा निकलना पड़ेगा कहीं शादी का माहौल है। पहले शादी को निपटाते हैं उसके बाद कहीं निकलते हैं। काफ़ी टाइम से यह बात मैं बोल रहा हूँ कि कहीं निकलते ही निकलते लेकिन निकलने के लिए हो नहीं रहा है। अभी लाइसेंस की डेट भी हमारी आ चुकी है जो लर्निंग लाइसेंस हमारा कम्प्लीट हो चुका था। अब ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए जाना है अप्लाई करने के लिए। उसकी डेट हो चुकी है पूरी 1 महीना पूरा हो चुका है। अभी कभी भी जा सकते हैं देखते हैं फ्री रहते हैं। अगर काम नहीं रहता यहाँ घर में तो निकलते हैं और चलाते हैं अपनी बाइक को। भाई साहब 6 महीने में 1600 किलोमीटर ये तो बड़ी हंसी की बात है। 6 महीने बस 1600 किलोमीटर चल रही है वो भी सिर्फ काम काम के लिए। हम घूमने एक दिन भी नहीं गए उसमें बस 3-4 किलोमीटर यहाँ मजूसे तक जाते रहते हैं। वो भी कभी कभार वही घूमना होता है हमारा। उसके बाद तो मतलब एक भी ट्रिप पर बाइक कभी नहीं की है। जब भी गए काम से गई है। मेरे को लगा कि मैंने बाइक घूमने के लिए नहीं बस काम के लिए ली है। वो भी बस बाइक की सर्विस के लिए ली है बाइक ऐसे ही लग रहा है। रुद्रप्रयाग गए हम 3 बार ही गए वो भी काम से गए। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं घूमने गए हों। कुछ करना पड़ेगा। आप कमेंट जरूर करें कि आपके 1 महीने में बाइक कितनी चली होगी। जब आपने शुरू शुरू में बाइक ली होगी तो शुरू शुरू में आपको पता है कि जब बाइक लेते हैं तो कितना क्रेज रहता है बाइक चलाने का घूमने का। हमारा अंदर का क्रेज पता नहीं कहाँ गया कहीं खो गया मेरे को लग रहा है। अभी ढूंढना पड़ेगा वो। तो अभी निकलते हैं मार्केट की ओर। ये जो चैन ल्यूब है ये लेके जानी है मार्केट में। ये वो चैन ल्यूब है ये अनु भाई की बाइक में चैन ल्यूब करनी है। क्योंकि कल मैंने उनकी चैन देखी थी एकदम सूखी हुई थी वो जंग लगने वाली थी चैन को। मैंने कहा चैन ल्यूब कर दो कुछ बोला मेरे पास अभी है नहीं मिलाया नहीं तो ये मैं लेके चलता हूँ और चैन ल्यूब करते हैं अनु भाई की। ए जा बाजार चली वाह बाजार अभी उन पानी खा ली वाह मीने। ये साइन कर रही है पहले ये कल तक श्रीनगर थी और आज यहाँ पे पूरे साइन सुइन हो रहे हैं इसके यहाँ पे।
दादी को मैंने अभी बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, गाय भैंस को मैंने पानी पिला दिया है, तो अभी आता हूँ मार्केट से भात बनाने के लिए। घर में निकलते हैं अभी मार्केट की ओर। कल शाम को जो कि रात को बारिश हुई थी, बादल आ गए थे एक बार, और फिर जो कि बारिश हुई रात को, लेकिन सुबह को जो कि मौसम फिर ठीक हो गया। अभी धूप लगी हुई है लेकिन बादल आए रहे हैं। शाम तक जो कि मौसम फिर पैक हो जाएगा, रात को बारिश और फिर सुबह को धूप, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे में ठीक लगता है। सुबह ही अगर बादल आ गए तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हेलो हेलो, देखो उसे मानो कुछ बोलो, खाया पिया करो। सेकंड स्टैंड होने जा रही बाइक, वही 160 ना जाती है, पर थोड़ा लेट लगती है। हम लेट लतीफ वाले काम करते हैं। उजाला तो वही जाना, उजाला हो जाएगा यार। गरीबी देख रहे हो, गरीबी नहीं, वो लापरवाही है। लापरवाही नहीं बोलते इसको, गरीबी बोलते हैं। सही और सत्य बात ही है। ध्यान नहीं थी इस बात से हमने मांगा है। तू तो अरे मेरे को वो दिखाना, क्या बोलते उसको, ये खो दिखानी है। तो ये देख लीजिए, ये चैन की हालत है, पूरी सूखी हुई है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? रीजन बिहाइंड दिस कि ये बहुत गरीबी में जीवन यापन हो रहा है और मेरे पास था नहीं चैन, इस पर मैंने नीतीश भाई को बोला। चलो चैन लूप करते हैं। तो ये मार्केट से भी चैन लूप करके घर आ गए और हालत इतनी ख़राब हो गई है धूप से कि पूछो मत। ये पसीना देख लीजिए आप, और ये मौसम देख लीजिए, फिर से बाद आने स्टार्ट हो गए हैं। और टाइम जो अभी 10 बज रहे हैं और इनकी छुट्टी हो गई है, इनकी छुट्टी होती है वैसे 12 बजे। अरे विद्यार्थी को दिखाइए। देख लीजिए है विद्यार्थी, क्या इसमें चावल है ना रखे हुए, टूट गए। तो इसके 6 किलो चावल रखे हुए हैं जो स्कूल से मिले हुए, जो MDM का खाना रहता है, खाना तो बनता नहीं है अभी स्कूल में, तो इनके लिए चावल मिलता है। इसने चावल रखे बैग में और वो टूट गया, एक पहुँच गया हम घर में। ऐसा धूप हो तो यही प्रॉब्लम है, ना हो तो यही प्रॉब्लम है। मार्केट से यहाँ आते आते हालत ख़राब हो गई है। ओहो, अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं, यह है चिनूक का हेलीकॉप्टर, चिनूक जहाज, और ये जा रहा केदारनाथ कुछ सामान लेके। इसके नीचे कुछ लटका हुआ है, आपको और जूम करके दिखाता हूँ मैं। अरे हमको लगा केदारनाथ जा रहा है, ये तो कहीं और ही जा रहा है, अभी तो जस्ट आया था ये। ये देख लीजिए कुछ लटका हुआ है, कुछ सामान लेके जा रहा है ये, लेकिन ये तो केदारनाथ जाने वाला था, केदारनाथ इधर की साइड जाता है। ये अभी बहुत दूर चले गया कैमरे से, लेकिन यूजली क्या होता है, ये यहाँ से आता है, यहाँ से और यहाँ से सीधे जाता है, यहाँ से लेकर और ये पीछे यहाँ केदारनाथ, सीधे यहाँ जाता है फिर। लेकिन आज जो है ये यहाँ से आया, यहाँ से आता है, लेकिन आज ये यहाँ से निकला, यहाँ से और यहाँ से फिर नीचे यहाँ चले गया है। पता नहीं कहाँ जा रहा है आज, लगता है कहीं दूसरी जगह का सामान होगा और कहीं और जगह पहुँचा रहा होगा, जरूरी नहीं कि सारा सामान केदारनाथ ही ले जाए। क्या क्यों आया हमने, ये फरे पाने हरा दे ये जो है, ये चाय पत्ती है ये वाली। भाई साहब चूल्हे में रखी हुई थी, तू कौन से यार, इसने चाय चूल्हे में रखी हुआ, देखो इसका हाल, ये भूल गई इसके बाद क्या हुआ। भाई साहब ये आएगा नहीं अब, ये देख लीजिए इसके हाल क्या हुए हैं। अब यही धुलेगी इसको, चाहे इसको 4 साल लगे, ऊंच क्या करनी है, हमें वो चाय पत्ती, चॉकलेट चॉकलेट ना, चाय पत्ती चाय पत्ती मार्क है, ये चाय पत्ती और चीनी का मिक्सर है। फूक लियो हमार फरेपान, वीडियो है तो फरमानी
ना लगे तू ये गोलियां नहीं छुई नया पर बुढ़िया हमको नया फ्राई पैन चमको तो भी निकलते हैं मार्केट की ओर। खाना खुना हमने खा दिया है और मौसम की जैसे हमने तारीफ की थी और शाम को मौसम दिखाई दिया, मौसम ने अपना रूप ये देख लीजिए, पूरा मौसम एकदम पैक हो गया है। और आज हमने जो टॉपिक चुना था वीडियो बनाने के लिए वो आइडिया कहाँ से आया कि हमारी बाइक जो कि 6 महीने लिए हुए हो गए हैं और अभी बस 1600 किलोमीटर चली है, वो आइडिया कहाँ से आया था? वो आइडिया कल आया था, कल मेरे को फ़ोन आया था हीरो के शोरूम से, उन्होंने बोला था कि आपकी थर्ड सर्विस की टाइम हो गया है, आप उन्होंने देखा होगा 6 महीने हो गए बाइक को, आपकी जो थर्ड सर्विस है उसका टाइम हो गया, आप आ जाओ। तो मैंने बोला कि मेरी गाड़ी अभी 1600 किलोमीटर चली है, मैंने कहा मेरी सेकंड सर्विस हो चुकी है, तो मैंने बोला कि मेरी सेकंड सर्विस हो चुकी है लेकिन मेरे अभी जो है कि 3000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी सर्विस का टाइम हो गया तो आप आ जाओ। तो मैंने बोला मेरा सेकंड सर्विस हो चुकी है लेकिन मेरे जो है 3000 किलोमीटर अभी पूरे नहीं हुए हैं तो मैं अभी थर्ड सर्विस के लिए नहीं आ सकता हूँ। तो यहीं से मेरे को आइडिया है कि जो है कि दूसरी सर्विस मेरी हो चुकी है लेकिन 3000 किलोमीटर अभी तक पूरे नहीं है, तो मेरे को आइडिया है कि मेरे को ब्लॉग इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि हम ऐसे आलसी भी हैं कभी कभी जो है कि बाइक लेके कहीं नहीं जाते हैं, जैसे फालतू भी क्या जाना, घूमने के लिए जाना होता है लेकिन कभी प्लान बनते हैं तो कभी प्लान कैंसिल हो जाते हैं, तो पता अकेला आदमी मैं कहीं जा नहीं सकता फिलहाल जब तक मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ लेकिन अब निकलना ही पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं मार्केट की ओर, वहीं से आपको दिखाते हैं। परसों जो कि आपने देखा होगा हरियाली मेले में हम हरियाली लेके गए थे, आज जो कि भंडारपुरा है आज भंडारपुरा लेके जाएंगे, परसों लड़कियाँ लेके गई थी हरियाली और आज जो कि लड़के लेके जाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, मैंने लेके जाऊंगा वो रजनीश लेके जाएगा तो रजनीश को दिखाते हैं। तो ये अभी जा रहा भंडारपुरा, तो इसी भंडारपुरा से जो है कि इसी हरियाली से जो है कि श्रृंगार होता है, वो शायद अगर रात को टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, अगर हमको मंदिर में घुसने दिया। ये ले जाने वाले हैं भंडारपुरा ये दोनों आदमी, वो भी है, चले चल 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 तो यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है, यहाँ पे भगवान श्री त्रिनारायण जी यहाँ पे विराजेंगे, यहीं पे श्रृंगार होगा जो ये हरियाली है यहीं से श्रृंगार करेंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया, आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी पार्ट लास्ट ब्लॉग देखने के लिए। बाहर जो कि इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि पूछो मत, अभी मंदिर तो जा नहीं रहे क्योंकि बारिश बहुत खतरनाक हो रही है, और गांव को मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए और आप उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो कि नीचे दिए हुए हैं, तो आपको मिलते हैं फिर उसी दूसरी पार्ट लास्ट ब्लॉग में।